हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। मैं हूं नेमत और आप देख रहे हैं नेमत डॉट खाना। आज मैं कीमे की स्टफिंग वाला ईटा ब्रेड रैप बनाने जा रही हूं, जिसके लिए टेबल पर मैंने काफ़ी चीज़ें सजा रखी हैं। ये सारा सामान मैंने इकट्ठा किया है कीमा बनाने के लिए। यहां पर रैप के ऊपर लगाए जाने वाली एक चटनी बनेगी, जो कि मिंट लीफ से तैयार की जाएगी, और साथ ही मैंने पीटा ब्रेड के लिए सामान इकट्ठा कर रखा है। तो आइए इसे बनाते हैं और इसके बनाने का तरीका देखें और इसमें यूज़ होने वाले स्टेप्स देखें। कीमा बनाने के लिए मैंने मटन का 300 ग्राम कीमा लिया है, जिसे कि मैंने घर में ही तैयार किया है, और इसे मैंने अपने फूड प्रोसेसर बजाज FX10 से तैयार किया है। 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ले लें, 2 बड़ा चम्मच दही है, और मसालों में 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 2 पिंच टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून से थोड़ा कम नमक, 2 चुटकी काली मिर्च और लगभग 1/4 टीस्पून ज़ीरा। ये सारा सामान कीमे में जाएगा। तो सबसे पहले हम इन सामानों को एकजा कर लें। साथ ही 1 लार्ज अनियन चॉप्ड, जिसको के सॉटे करके कीमा डाला जाएगा, और कुछ सजावट के लिए सबसे आखिर में धनिया की पत्ती, ग्रीन चिली और लेमन। ये सारी चीज़ें कीमे में इस्तेमाल होंगी। तो सबसे पहले दही डाल दें, सारा मसाला डाल दें, थोड़ा सा कोरिएंडर लीफ और ग्रीन चिली डाल दें। अब इसे प्रेशर कुक करना है, आप चाहें तो इसे कढ़ाई में बना लें। कीमे में जायके के हिसाब से नमक डालें। पहले से गर्म हो रहे कुकर में तेल डालें। अब इसमें चॉप्ड ऑनियन डालें। इसे हल्का सा गुलाबी करें। प्याज गुलाबी हो चला है, अब उसमें कीमा डालें और इसे अच्छी तरह मिला लें। दो मिनट पकने के बाद कीमा ने अपना जूसेस रिलीज किया है। अब इसमें गलने के लिए 1/2 कप पानी डालें और 2 सीटी आने तक इसे गलने दें। आंच धीमी कर दें और इस बीच आटा तैयार कर लें। पीटा ब्रेड या नान तैयार करने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मैदा लिया है, यानी ऑल पर्पस फ्लोर। अब इसमें हमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डालना है। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, क्वार्टर टी स्पून बेकिंग सोडा, इसे मिक्स कर लें और एक छलनी में डाल दें ताकि गुठलियां ना रहें।
जायके के हिसाब से नमक डाल दें। वन टीस्पून चीनी डालें। सब चीज़ों को मिला लें। अब इसमें 2 टेबलस्पून ओलिव ऑयल डालें। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी डाल सकते हैं। और इसे नीम गर्म पानी यानी लुकवार्म वाटर से बना लें। पानी धीरे धीरे डालें ताकि ज़्यादा गीला ना हो जाए। सानने के लिए हाथों का इस्तेमाल बेहतर होता है, इसके लिए आप अच्छी तरह अपने हाथों को धो लें। आहिस्ता आहिस्ता पानी डालते हुए इसे गूंथ लें। थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते हुए इसे गूंथ लें। ध्यान रहे कि बारगी पानी डालने से आटा ज़्यादा नरम हो सकता है। मुक्कियाँ लगाते हुए पुराने तरीके से आटा सानने से आटा बहुत बेहतर बनता है। 1 चम्मच दही डालें और इसे अच्छी तरह गूंधें। आटा हमारा काफ़ी अच्छा सन गया है। अगर ये हाथों को चिपके और बर्तन से लगे तो आप इस पे थोड़ा तेल डाल लें, इससे ये हाथों में चिपकेगा नहीं। देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल चिपक भी नहीं रहा है। इस तरह से इकट्ठा हो जाने के बाद आप इस डो को कम से कम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दें। इस तरह से ये फूल जाएगा और बहुत ही मुलायम ब्रेड बनेगा। ढक कर रखें। क़ीबा का पानी खुश्क करके एक बर्तन में निकाल लें। तैयार क़ीमा को एक बर्तन में निकाल लें। क़ीमा बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दें। क़ीमा बिल्कुल तैयार है। इस पर थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग कर दें। लेमन का रस डाल दें। अब इसे आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब तक क़ीमा ठंडा हो रहा है और आटा हमारा रेस्ट पर है, आइए मिंट की एक मज़ेदार सी चटनी बना लें। मिंट की चटनी बनाने के लिए मैंने काफ़ी सारा मिंट लीफ धोकर छान लिया है। साथ ही इसमें काफ़ी सारा लहसुन और 1 हरी मिर्च जाएगा। 1 टेबल स्पून मूंगफली के दाने ले लें। 1 टेबल स्पून रोस्टेड चने की दाल ले लें। 1 मीडियम साइज लेमन का रस ले लें और काफ़ी सारा मिंट लीफ ले लें जिसे कि मैंने धोकर सुखा लिया है। जायके के लिए नमक ले लें। अगर ज़रूरत हो तो पानी डालें और नमक चख लें। मिंट की चटनी बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। ये बिल्कुल स्प्रेड होने के लिए तैयार है। असल में मूंगफली के दाने और चना की दाल डालने का पर्पस यही था कि ये ज़्यादा लिक्विडी ना हो, क्योंकि मुझे इसे ब्रेड पर स्प्रेड करना था।
चटनी तैयार हो चुकी है और बारीक कतरी हुई प्याज गाजर और मूली के स्लाइसेस की ड्रेसिंग कर लें। तो इसके लिए इस पर एप्पल साइडर विनेगर डालें। थोड़ा सा नमक डालें और इसको थोड़ी देर यहीं पड़ा रहने दें। ये कीमे पर डालने के काम आएगा। आटा को गूंधे हुए लगभग एक घंटा गुजर चुका है और ये काफ़ी अच्छा मुलायम तैयार हो गया है। तो आइए कम से कम इसके दो या तीन नान बना लें। उतने आटे से ढाई लोइयां तैयार हुई हैं। अब मैं इनको बारी बारी बेलती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। रोटी बेला जा चुका है, अब आप इस पर निशान लगा लें। तवा को गरम करने के बाद मैंने आंच धीमी कर दी है, इसे धीमी आंच पे ही पकाना है। शानदार ब्रेड तैयार हो रहा है। इसे आहिस्ता से किनारे से उठा के चेक कर लें। इसे हमें जलने नहीं देना है, इसका कलर बादामी रहे। एक रोटी तवे पर पड़ी हुई है, तब तक मैं दूसरी तैयार कर ले रही हूँ। दो मिनट गुजर चुका है, अब इसे पलट कर देखना होगा। रोटी ने अच्छा सा कलर ले लिया है। काफ़ी खूबसूरत रंग आया है। तो एक मिनट से दो मिनट तक उस तरफ से भी पका लें। कितना खूबसूरत कलर आया है। इसे निकाल लें, अब ये तैयार हो चुका है। दूसरी रोटी भी इसी तरह से डाल दें। दूसरी रोटी भी तैयार है। लाजवाब और खूबसूरत पीटा ब्रेड। अब इसे हम रैप करेंगे। अब इसकी सजावट कर लें। सबसे पहले गार्लिक एंड चिली सॉस लगाएं। इसके ऊपर ताहिनी सॉस डालें। यह रेसिपी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि इसका लिंक दे दूं। थोड़ा सलाद डालें। अब जो कीमा हमने तैयार किया है वो डालें। इसे रैप कर लें। दूसरी ब्रेड को भी इसी तरह से ड्रेसिंग कर लें। फर्क सिर्फ यह है कि इस पर मिंट वाली चटनी जो अभी मैंने तैयार किया है वो लगाएं। काफ़ी सारा लगाएं। खूब सारा कीमा डालें। काफ़ी मज़ा आने वाला है और ये खुशी भी मिलने वाली है कि मैंने ये रैप घर का बना हुआ खाया है। इसे भी रैप कर लें। कीमा रैप तैयार है। आप भी बनाएं, बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसकी फीलिंग को देख सकते हैं और इसके रोटी के टेक्सचर को देख सकते हैं। तो अब जब भी आप बनाएं हमें दुआओं में याद रखें। ये इतना मज़ेदार लगता है कि मुंह में बिल्कुल घुल जाता है और साथ ही ये खुशी होती है कि इसे मैंने घर में तैयार किया है। तो आप भी बनाएं,
और घर पर बने हुए इस रैप को खाने का मज़ा ही कुछ और है। अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।